वेलकम टू लर्निंग लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आ गया आप लोगों के सामने। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं दूसरे जगह पे हूँ, मैं अपने सेटअप के भी जगह पे नहीं हूँ, तो मुझे कहीं जाना पड़ रहा था, तो इसलिए आज मैं आ चुका हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ज़्यादा तगड़ा। आज ट्यूटोरियल पहले वाले से भी ज़्यादा तगड़ा ये वाला ट्यूटोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों का लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो चल रहा है? ऑब्वियसली चल रहा होगा। अगर आप लोगों का कंप्यूटर 6 महीने और साल भर से ऊपर हो गया खरीदा हुआ या काम करते हुए, तो आप लोगों का कंप्यूटर जरूर स्लो होता होगा, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करते होंगे, ये बोलिए, आप लोग क्या करते होंगे? सिंपल, फाइल एक्सप्लोरर में जाते होंगे, लोकल सी में जाते होंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके और डिस्क क्लिक कर देते होंगे, बस यही। मगर क्या डिस्क क्लीन अप करने से सारा काम खत्म? नहीं फ्रेंड्स, आपको और सारी फाइल्स को जरूरत है डिलीट करने के लिए, और बहुत सारी फाइल जो है बैकग्राउंड रन कर दी जो कि हमारे लैपटॉप को स्लो करती है, और बहुत सारे तरीकों को आपको सीखने की जरूरत है जो कि हमारे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में रन करते हैं तो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की या डेस्कटॉप की जो भी परफॉर्मेंस है उसको स्लो करती है। इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से ड्राइव में हमारा जो ड्राइव होता है सी डी ई एफ, तो कौन से ड्राइव में कितना, कौन से पार्टीशन में कितना ज़्यादा स्टोरेज रखना चाहिए, कौन सा आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड स्टोरेज है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमें एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, तो अभी के लिए ये वीडियो ओके फ्रेंड्स। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो कितना तगड़ा होने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स, अगर मेरा आवाज़ ख़राब आ रहा हो क्योंकि मेरा आज थोड़ा गला बैठा है, तो इसलिए ओके। तो बात ये है फ्रेंड्स कि देखिए, रैम जो है वो एक अलग तरीका है। रैम जिसका अच्छा है उसका कमेंट तो अच्छा चलेगा, मगर रैम चाहे जितना ही अच्छा हो, अगर मेमोरी अगर उसका फुल होता है तो रैम का कोई फायदा नहीं। तो मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, रैम इम्पोर्टेंट है मगर मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट है लैपटॉप को स्पीड करने के लिए और स्पीड बनाकर रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उसको कैसे करते हैं, मेमोरी क्लीन अप करते कैसे करते हैं। मेमोरी क्लीन अप करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि डिस्क क्लीन अप कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डिस्क क्लीन अप भी करना नहीं आता, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिस्क क्लीन अप करने के लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा फाइल एक्सप्लोरर विंडो, ठीक है। तो मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए मुझे प्रेस करना होगा विंडोज प्लस ई। तो विंडोज प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद अब मुझे जाना होगा लोकल डिस्क सी में, क्योंकि हमें लोकल डिस्क सी में ही हमारा कैश डाटा होता है। अब यहाँ पे हमें प्रेस करना होगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यानी कि एप्लीकेशन की। तो अब यहाँ पे हमें जाना होगा प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे हम टैब प्रेस करेंगे और डिस्क क्लीन अप को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा कैश डेटा है वो सब यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। यहाँ पे बहुत सारा फाइल डिस्प्ले हो गया है, यहाँ से पूछ रहा है कि आप कौन सा फाइल डिस्प्ले करना, सॉरी डिलीट करना चाहते हैं कि कौन सा फाइल नहीं। तो मैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सारा का सारा चेक बॉक्स आएगा सारे फाइल पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाल ही में अपना लैपटॉप जो है क्लीन किया है, इसलिए मैं जो है वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं रहा है, तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार और डिस्क क्लीन अप करता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर टैप प्रेस करेगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे यस पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो डिस्क क्लीन अप हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारा डिस्क जो है क्लीन अप हो चुका है। तो ऐसे करते हैं डिस्क क्लीन अप, मगर डिस्क क्लीनअप जो है वो एक भाग है डिस्क
क्लीन करने का, मगर डिस्क क्लीनअप के अलावा भी और बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और कौन सा चीज़ है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टेम्प्रोरी फाइल्स डिलीट करते करते हैं। सबसे पहले मैं बड़ा हो जाता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। ओके, तो टेम्प्रोरी फाइल ये होता है कि आप जब भी कोई फाइल को ओपन करते हैं तो उसका जो थोड़ा डाटा वगैरह है वो टेम्प्रोरी फाइल में घुस जाता है, ठीक है, तो उसको आपको क्लीन करना है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो चलिए मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे प्रेस करूंगा, करना होगा विंडोज प्लस आर, रन कमांड खुल गया और यहाँ पे हमें प्रेस करना होगा टेम्प, टी ई एम, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं और सारी के सारी फाइल जो है वो बेकार है, हमारे लिए कोई काम की नहीं है, तो मैं सब फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट डिलीट से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अगर ये फाइल डिलीट ना हो, मतलब जितना फाइल डिलीट होना था वो तो हो गया, मगर जो फाइल डिलीट नहीं हो सकता, जो इंटरप्ट हो जाता है, उसको आप जबरदस्ती डिलीट करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि अगर वो डिलीट हो गया तो आपका कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब ये हमने जो टेम्प्रोरी फाइल डिलीट किया ये यूजर्स के अकाउंट से डिलीट किया, अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से डिलीट करना होगा। तो मैं फिर से विंडोज आर प्रेस करूँगा, अब यहाँ पे टाइप करना होगा परसेंट एंटर। अब यहाँ पे जितना फाइल उसको ऑल सेलेक्ट करिए और डिलीट की से शिफ्ट डिलीट की से डिलीट कर दीजिए। अब जो फाइल इंटरप्ट हो गया उसको डिलीट करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर हमें डिलीट नहीं करने देगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें डिलीट करना होगा प्री फेच, ठीक है, रन कमांड ओपन की। अब यहाँ पे लिखना होगा प्री फेच, पी आर ई एफ एफ आर ई टी सी एच, प्री फेच, एंटर। मेरा जो है वो स्पेलिंग रॉन्ग था, ठीक है। अब पी आर ई एफ आर ई टी सी एच, प्री फेच, वन सेकेंड। अब यहाँ पे जितना फाइल है उसको सिलेक्ट आउट करिए और शिफ्ट डिलीट से डिलीट कर दीजिए। तो ये बात है, तो ऐसे आपको डिलीट करना, ठीक है। याद रखिएगा पहली बार जब आप प्रीफ्रेंस ओपन करेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन आएगा, तो आप उसको अलाउ कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। तो मैं फिर से बड़ा हो जाता हूँ। अब यहाँ पे आप मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ कि कौन से ड्राइव में कितना स्टोरेज रखना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम होता है कि साइटेड पर्सन के अनुसार जब भी हम भी कैफे में जाते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क पार्टीशन है वो करने के लिए, तो सी में बहुत कम जगह रखते हैं और बाकी जो भी हार्ड पार्टीशन करते हैं टू और थ्री उसमें क्या करते हैं कि लोकल डिस्क ई या डी में बहुत सारा मतलब स्टोरेज रखते हैं मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पूरा स्पेस नहीं मिलता रन करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा हैंग भी करेगा तो उससे क्या पड़ रहा है, उनको तो उन लोगों को माउस यूज करना है कि नहीं। अब यहाँ पे विजुअली इम्पैक्ट पर्सन के लिए समस्या यहाँ पे ये आती है कि हम लोगों के लिए हैवी सॉफ्टवेयर स्क्रीन, ठीक है। एनवीडीए तो बहुत लाइट है, मैं एनवीडीए के बारे में नहीं बोल रहा, मगर जॉस बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, 1 GB का सेटअप फाइल होता है,
और जब वो एक्सपेंड होता है तो उसके बाद तो कहना ही नहीं है, ठीक है। तो वो इतना बड़ा सॉफ्ट है, उसको दूसरे सी के अलावा कहीं ई एक्स में नहीं रखते क्योंकि वो विंडोज़ के साथ अटैच हो, मतलब उसको करना पड़ता है। विंडोज़ के साथ अटैच करने के लिए आपको सी जो मतलब जिस ड्राइव में आपका विंडोज इंस्टॉल है उस ड्राइव में आपको रखना, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि विंडोज़ के अलावा, मतलब जो ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल है उसके अलावा और किसी भी ड्राइव में वो इंस्टॉल नहीं हो सकते, तो ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए 50 GB, तो आप जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपके लोकल स्क्रीन में आप लोगों के लिए 50 GB रख दिया, अब 50 GB में 20 GB तो हमारा विंडोज़ 10 ही खा गया, तो आप अब 30 GB में क्या करेंगे, जॉब भराएंगे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भराएंगे या क्या क्या करेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, 900 GB का हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है, सॉरी 1 TB का हार्ड ड्राइव होता है, 1024 GB का हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है, उसमें से 900 GB यूजेबल होता है। अब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम मतलब हमारे लोगों के लिए, हम इसे विजुअली इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए, कि सी को दे दीजिए आँख बूंद कर 200 GB, आँख बूंद कर, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना स्पेस मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छा से रन करेगा और आपका लैपटॉप हैंग नहीं करेगा। उसके बाद ये हो गया सी, सी में स्क्रीन रीडर भर दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भर दीजिए, जो जो भरना है भर दीजिए, आपका 100 GB खाली भर गया, 100 GB आप लोगों के लिए खाली, उसको छोड़ दीजिए। अब उसको 100 GB अभी खाली है, उसको सोचिएगा मत, वो खाली ही रहने दीजिए बस। अब एक और पार्टीशन आइए सी के बाद, नेक्स्ट पार्टीशन में डी, डी को दे दीजिए 200, डी को भी दे दीजिए 200, ठीक है, ठीक है, डी को भी दे दीजिए 200, सॉरी डी को दे दीजिए 300, ठीक है, तो सी को दे दिया 900 में से 200 बचा 700 और उसको दे दिया, डी को दे दिया 300 GB, तो कितना हुआ 400 GB हमारे हाथ में बचा है, तो ई को दे दीजिए 400 GB। सी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई सारी फाइल्स और सॉफ्टवेयर को यूज चलाइए। उसके बाद जो डी ड्राइव है उसमें आप जितना से जितना हो सके गेम वगैरह इंस्टॉल करने की कोशिश करिए, क्योंकि सी में गेम इंस्टॉल करने से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हैंग होता है। जितना भी थर्ड पार्टी एप्स वगैरह हैं सॉफ्टवेयर, उनको डी में रखिए, और आपका जितना भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट मतलब जितना भी स्टोर करने का डाटा है वो सब ई में रख दीजिए, ठीक है। इतना भी आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोगों के मन में तो ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इतना मैं समझा रहा हूँ, अरे सी में ही क्यों नहीं सब रखता, सी में रख लूँ अच्छा चलेगा, मेरा फाइल भी सब सेव रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि आपके सी में सारा का सारा डाटा और आपका कोई और पार्टीशन है जैसे सी ड्राइव है उसके अलावा और कोई पार्टीशन है, ठीक है, उसमें आपने सारा डाटा रख दिया, उससे क्या होता है कि सी ड्राइव में अगर मान लीजिए कि विंडोज किसी वजह से करप्ट हो गया और विंडोज नहीं चल रहा, तो क्या होगा, तब तो आपको विंडोज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा और फॉरवर्ड करने से पहले आपका सारा डाटा जो है वो कहीं आपको बैकअप करना होगा, और बैकअप करेंगे कैसे जब आपका विंडोज चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसी समस्या से बचने के लिए आपका ई और एफ या डी जो है वो रखा जाता है 3-4 बार हिट करके, ठीक है, इसी वजह से। तो ज़्यादा पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 पार्टीशन करिए, एक में ऑपरेटिंग सिस्टम रखिए, सी में ऑपरेटिंग सिस्टम, डी में आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, और ई रख दीजिए आपका सारा का सारा डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, ये बात है, ठीक है। स्टोर करने के लिए तो बहुत सारी सुविधा है, SD कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव सब है, CD, DVD सब है, मगर आपका लैपटॉप का रन करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो आपको देना होगा, नहीं तो आपका लैपटॉप हैंग करेगा ही करेगा, ठीक है। अब ये मत बोले कि हार्ड पार्टीशन करना था सिखा दीजिए, ठीक है, हार्ड पार्टीशन मैं कर सकता हूँ, मगर अगर मान लीजिए कि डी में अगर 500 GB है, मैं डी का एक और पार्टीशन बना सकता हूँ और उसको दे सकता हूँ 200 GB, मगर वो नहीं कर सकता कि सारा का सारा पार्टीशन डिलीट करके और एक नया से फ्रेश पार्टीशन बना, उसके लिए आपको बूट मेन्यू में जाना होगा। बूट मेन्यू का काम जो है बहुत रिस्की है, मैं नहीं सिखा सकता आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का साथ कोई मिस्टेक हुआ तो आप लोगों का कंप्यूटर होगा ख़राब और आप लोग देखिए कमेंट मुझे बहुत सारे डिसलाइक, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, आप लोगों को लेना है तो लीजिए, और रिस्क नहीं अच्छा है,
कि भाई कितना दामी लैपटॉप है उसको, हाँ अत्याचार मत करिए, उसको दे देना कैसे में, कैसे वाले को बोल दिए कि भाई मुझे इतना बता ही इतना ही बता, ठीक है बस इतना ही करिए। मेरे बतलावे रास्ते पर चलिए, आप लोगों का लैपटॉप 4GB रैम है और बहुत बेहतर चलेगा। अब देखिए 4GB रैम है, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको, अब 1GB रैम का लैपटॉप लेके आओ कहेगा कि भाई मेरा तो इतना कुछ वीडियो देख लिया और मैं तो कुछ चला चल ही नहीं रहा है, भाई क्या करें लक्ष्मण भाई आप। नहीं, मैं आप लोगों को मेमोरी क्लीन अप करने का दिखा रहा हूँ, रैम बढ़ाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है रैम बढ़ाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, मेमोरी क्लीन अप करने का दिखा रहा हूँ। तो मेमोरी क्लीन अप करने में ध्यान दीजिए, लैपटॉप में रैम बढ़ाने का ध्यान मत दीजिए। अगर रैम आप लोग का अच्छा है और मेमोरी क्लीन करने पे अच्छा ही चलेगा, अगर रैम कम है तो कितना ही लैपटॉप क्लीन करिए लैपटॉप आप लोगों का स्लो ही चलेगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो, धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त।